सो वेलकम बे गाइस। तो कैसे हो आप सारे बंदे, आई होप कि सभी लोग बड़े होंगे एंड आगे भी बड़े रहे। तो गाइस बढ़िया कैसे रहोगे कल से, ठीक है कल सुबह से, ठीक है। इस प्रकार का आप लोग लोडिंग पेज के अंदर आप लोग जब भी गेम ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप लोग कुछ इस प्रकार का लोडिंग पेज होकर ठीक है रह जाते हैं, आपका जो गेम है ठीक है ओपन ही नहीं हो रहा है। और दोस्तों इसका क्या सोल्यूशन है और दोस्तों इसका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे खासकर जियो सिम के लिए, यानी कि दोस्तों जो भी जो बंदे ठीक है जियो सिम यूज़ करते हैं या फिर ठीक है एयरटेल सिम यूज़ करते हैं, ठीक है उन लोगों के लिए ठीक है इस वीडियो के अंदर ठीक है आप लोग बहुत ज़्यादा ठीक है हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी ठीक है गेम ओपन करते हो लोडिंग स्क्रीन के ऊपर, ठीक है आप लोग कुछ इस प्रकार का लोडिंग होकर ही रह जाता है, लेकिन दोस्तों आपका जो गेम है ठीक है ओपन नहीं हो रहा है। और दोस्तों इसके अंदर से ठीक है आप लोग दो ट्रिक बताने वाले हो, और दोस्तों ये दोनों ट्रिक ठीक है आप लोग अप्लाई करते हो दोस्तों आप लोगों जो गेम है ठीक है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए इससे बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ठीक है सीधा मोबाइल का सेटिंग के ऊपर चला जाना पड़ेगा। चला जाने के बाद आप लोग ठीक है सीधा मोबाइल सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा जो ऑप्शन रहता है ठीक है आपके फोन के अंदर, उसका आप ठीक है क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप लोग जो जियो सिम या फिर ठीक है एयरटेल सिम रहता है ठीक है उसके सोल्यूशन ठीक है इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाले, और दोस्तों आप लोग जो प्रॉब्लम ठीक है वो सॉल्व हो जाएगा ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे जो सेटिंग के अंदर चले जाने के बाद एक्सेस पॉइंट नेम ठीक है आप लोग ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों ढूंढने के बाद ठीक है आप लोग देख सकते हो एक्सेस पॉइंट नेम के अंदर ठीक है ये जो सेटिंग रहता है ठीक है पहले से आपका जो ठीक है जो भी चीज़ रहेगा ठीक है एक्सेस पॉइंट नेम के, तो इसका आप लोग ठीक है डिलीट करना पड़ेगा ठीक है। डिलीट करने के बाद आप लोग देख सकते हो रिसेट एक्सेस पॉइंट बोल के ठीक है ये आप लोग ठीक है फिर से रिसेट करना पड़ेगा ठीक है। तो दोस्तों रिसेट करने के बाद आप लोग सीधा ठीक है कट कर देना। तो दोस्तों ये सब कुछ ठीक है आप लोग आपका जो काम है ठीक है वो हो जाएगा। होने के बाद ठीक है आप लोग सीधा ठीक है प्ले स्टोर के अंदर चला जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर के अंदर चले जाने के बाद आप लोगों ठीक है एक कोई सा भी ठीक है वीपीएन डाउनलोड करने पड़ेगा। जैसे कि मैं ठीक है आप लोगों को ये जो हॉट वीपीएन बोल के ठीक है हॉट वीपीएन डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे तो आप लोग देख सकते हो हॉट वीपीएन डाउनलोड करने के बाद ठीक है ये ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों जो भी ठीक है सिम रहेगा ये हो या फिर ठीक है एयरटेल हो, अब तो ये ये फिर ठीक है आप लोग कोई सा भी ठीक है सिम हो। और दोस्तों इसके अंदर से ठीक है आप लोग मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद आप लोग देख सकते हो वीपीएन ऑन करने के बाद ठीक है आप लोग कोई सा भी ठीक है एक सर्वर सिलेक्ट करने पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों ठीक है मैं जर्मनी सिलेक्ट कर लिया, और दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो वीपीएन वो ठीक है कनेक्टेड हो चुका है। और दोस्तों कनेक्टेड होने के बाद ठीक है आप लोग सीधा ठीक है वीपीएन काट कर देना पड़ेगा, मिनिमाइज से उड़ा देना पड़ेगा। उड़ा देने के बाद आप लोग जो गेम है ठीक है वो ओपन कर लेना ठीक है। जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ, तो दोस्तों ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरा जो ठीक है गेम है वो ओपन हो रहा है ठीक है। आप लोग ठीक है ये वाला ट्रिक अप्लाई करते हो तो आप लोग का जो फोन है ठीक है वो 100% श्योर है ठीक है आप लोग जो गेम है ठीक है वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों सिंपल ठीक है आप लोग फ्री फायर से खेलते हो या फिर ठीक है फ्री फायर मैक्स से खेलते हो ठीक है वो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका जो गेम है ठीक है वो ओपन हो जाएगा जैसे कि मेरा हो रहा है ठीक है। ठीक है आप लोगों जो गेम है ठीक है वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों इजीली ठीक है आप लोग जो गेम प्ले ठीक है कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही।